ये कहानी एक जंगल की है जहाँ सब अच्छे दोस्त थे। वहाँ सब कुछ अच्छा था और जंगल बहुत प्यारा था। वहाँ बहुत से जानवर रहते थे। इनमें सबसे समझदार खरगोश था जो बहुत अक्लमंद था। वहाँ एक शेर भी रहता था जो बहुत खतरनाक था। वो हर रोज एक जानवर का शिकार करता और मजे से खाता। भागो भागो, शेर आ गया है, अपनी अपनी जान बचाओ। सब जानवर डर कर छिप जाते थे। एक दिन सबने सोचा कि इस तरह कैसे चलेगा, हम डर कर कैसे रहेंगे। सब जानवर मशवरा करते कि हम हर रोज बारी बारी शेर के पास जाएंगे और वो हमें खा लेगा। इस तरह कोई डर भी नहीं रहेगा और सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे। सब जानवर शेर के पास जाते हैं और सब कुछ शेर को बताते हैं। ठीक है, मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मगर सब वक्त पर मेरे पास आएंगे। शेर ने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शिकार खुद मेरे पास आएगा, मैं आराम से खाऊंगा। ऐसे ही हर रोज एक जानवर जाता और शेर का नवाला बनता। शेर बहुत खुश था कि शिकार मेरे पास आता है, मुझे शिकार करना नहीं पड़ता। दिन गुजरते गए और सब जानवर अपनी बारी से जाते रहे। एक दिन जब खरगोश की बारी आई, वो कुछ देर से पहुंचा। मैंने कहा था अगर कोई देर से आया तो मैं अपनी मर्जी से किसी को भी खा लूंगा। खरगोश बहुत चालाक था, उसने कहा, जंगल के बादशाह, मैं तो आ रहा था, रास्ते में एक शेर मिल गया। उसने कहा कि मैं जंगल का बादशाह हूँ और तुम सब मेरे शिकार हो। मैंने उससे कहा कि आप हैं जंगल के बादशाह और हम सब आपके शिकार हैं। आप पहले उसे मजा चुखाएं, फिर आप मजे से मुझे खा लेना। ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो, कहाँ है वो शेर? खरगोश उसे कुएं के पास ले जाता है। वहाँ शेर को अपना अक्स नजर आता है। उसे लगता है कि ये दूसरा शेर है। वो कुएं में छलांग लगा देता है और वहीं हाथ पांव मारता है और शेर वहीं डूब जाता है। खरगोश की समझदारी से सब जानवर बहुत खुश हुए और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगे।